आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखे आपको सबसे आगे। न्यूज 9 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ अमित चौहान। आज हमारे साथ मौजूद हैं वॉटी टैलेंटेड एक्टर और सिंगर अंबिका शैल जी। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंबिका शैल जी, आप देहरादून में आज मौजूद हैं, तो आप किस प्रोजेक्ट पे यहाँ पे काम करने के लिए पधारी हैं? तो मैं यहाँ पे एक म्यूज़िक वीडियो शूट के लिए आई हूँ, तो इसमें मेरे साथ गौरव सरीन भी है एंड वी बोथ आर परफॉर्मिंग इन दिस सॉन्ग। और इस गाने को गाया है सलमान अली ने, तो उनके साथ तो मैं पहले भी ये गाना कर चुकी हूँ एंड दिस इज माय सेकंड सॉन्ग विद सलमान अली। आई एम रियली एक्साइटेड कि मेरे और दर्शकों को फिर से एक गाना देखने को मिलेगा। बींग एन एक्टर, कैसा फीलिंग रहती है जब कहीं बाहर जाते हैं, तो किस तरीके के फील्स आते हैं, क्या एक्सपीरियंस रहता है कि आप जब बाहर निकलते हैं क्राउड में, क्या एक्सपीरियंस रहता है आपका वहाँ पर? अमेजिंग। मतलब जब भी मैं बाहर निकलती हूँ, आई ऑलवेज पुट मास्क, पहली बात तो ये, क्योंकि बहुत लोग पहचान जाते हैं पब्लिक प्लेस में। बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस में तो नहीं जाती मैं, और बट ये अच्छा भी लगता है क्योंकि हम इसी चीज़ के लिए काम करते हैं कि लोग हमें पहचाने, लोग हमारे साथ फ़ोटोज़ लें, क्यों वी एक्टर्स वर्क फॉर दैट ओनली। तो ये बड़ा मज़ा आता है जब लोग पहचानते हैं आपको, आपके साथ सेल्फी खींचते हैं, तो ये बड़े मज़ेदार चीज़ें हैं मेरे लिए। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड कि मेरे काम ने इतना ज़्यादा पहचान दिया मुझे कि मैं अपने दर्शकों के सामने कभी कभी पहुंच जाती हूँ और उनके साथ सेल्फीज़ लेती हूँ। एंड इट्स अ ग्रेट फीलिंग, यू नो, मतलब ऐसा लगता है कि मैं सच में अपने गोल की तरफ हूँ, अपने मतलब मोटिव की तरफ हूँ। सो आई रियली फील प्राउड कि भगवान ने मेरा साथ दिया इस चीज़ में। ये जो आप एक्टिंग कर रहे हैं यहाँ, इसकी शुरुआत कैसे हुई? मतलब आपके अंदर कहाँ से एक सोच आई कि यहाँ एक्टर ही बनना है, तो वो फीलिंग कहाँ से आई आपके अंदर? देखो, एक्टर बनने का सपना मेरा बचपन से बिल्कुल नहीं था। इट वाज मतलब बोल सकते डेस्टिनी बोल सकते इसको, क्योंकि मैं पहले से सिंगिंग में हूँ और सिंगिंग की तालीम ही मैंने बचपन से ली है। और मुंबई भी मैं ओनली सिंगर बनने आई थी, एक्टिंग का मेरा दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं था। लेकिन डेस्टिनी जो है वो मुझे एक्टिंग की तरफ लेके गई, और मैंने सीरियल से शुरुआत किया, टीवी सीरियल से, क्योंकि मैं हमेशा से सोचती हूँ कि एवरी अपॉर्चुनिटी इज़ ए अपॉर्चुनिटी। तो मेरे पास जब टीवी का ऑफ़र आया तो मैंने वो बिना सोच समझ के ले लिया। मुझे लगा कि चलो कुछ और एक्सप्लोर करते हैं ज़िंदगी में, सिंगिंग तो कर ही रही हूँ, एक्टिंग में भी कुछ एक्सप्लोर करते हैं, तो ये समझ के मैंने टीवी ले लिया था। और उसके बाद जो मेरी एक्टिंग की जर्नी शुरू हुई, तब मुझे लगा कि नहीं, ये मतलब खेलने टाइप चीज़ तो नहीं हो रही है, इसमें मुझे और काम करना चाहिए और इसको सीरियसली लेना चाहिए। तब से मैं सीरियस हुई एंड अभी मैं तो बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ एक्टिंग को लेकर, और अभी बहुत बाय गॉड्स ग्रेस अच्छा ही चल रहा है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव सभी के आते हैं, तो yes. आपकी ज़िंदगी में किस तरीके के उतार चढ़ाव आए हैं जब आप एक्टिंग करियर में आई है? आप सिंगिंग करते थे, तो आप जब एक्टिंग में घुसे तो कैसा फील रहा कि मतलब बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्या उतार चढ़ाव रहे आपकी ज़िंदगी में? बहुत ज़्यादा, लाइक इट्स बीन 10 ईयर्स आई एम इन मुंबई, 10 साल हो गए मुझे मुंबई में, और 10 सालों में इतने एक्सपीरियंस है, अप्स डाउन्स। पहले तो कभी पैसे नहीं रहते थे, और मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो ऐसा भी नहीं मैं घर से पैसे मांग लूँ, तो मुझे खुद से ही मतलब कमा के मुंबई में बस टिकना था किसी भी हालत में, क्योंकि जब तक मैं मुंबई में रहूँगी नहीं, मुंबई में काम नहीं कर पाऊँगी। कोलकाता से मुंबई में काम करना इट्स नॉट पॉसिबल। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी उस टाइम पे, मतलब कोई उस टाइम पे मुझे देखता भी, कोई उस टाइम के पिक्चर और अब मेरे अभी के पिक्चर शायद ही मुझे कोई पहचान पाए। सो बहुत बहुत मतलब एक्सट्रीम लेवल का स्ट्रगल था। मैंने स्कूल जॉब किया, पैसे कमा रही थी, फिर स्कूल जॉब छुट्टी होने के बाद मैं खुद का स्ट्रगल करती थी, तो सुबह 4 बजे मतलब मॉर्निंग स्कूल था तो सुबह 4 बजे उठना पड़ता था, फिर खुद का स्ट्रगल करके रात को लौटती थी, तो इट वाज एक्सट्रीम लेवल। मतलब शायद मैं अभी इतना स्ट्रगल नहीं कर पाऊँगी। सो इस लेवल का स्ट्रगल किया है मैंने, और मतलब अप्स एंड डाउन्स तो अभी भी चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे, बट स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग। या आजकल के यूथ हैं, जैसे कुछ दिक्कत आ जाती है तो एकदम क्विट कर जाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप स्टैंड डाउन जैसे सभी की लाइफ में आते थे, उनके लिए कुछ मैसेज छोटा सा? मैंने जैसा कि अभी बोला कि मैंने जब शुरुआत की थी तब रास्ता इजी नहीं होता है किसी भी एक्टर के लिए शुरुआत में, एक्टर की कोई भी फील्ड के लिए, किसी अगर आप कुछ स्टार्ट करते हो तो वो रास्ता एकदम आपको सीधा नहीं मिलेगा। तो मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मुझे खुद कमाना पड़ता था मुंबई रहने के लिए। तो मैंने जैसा कि अभी बोला, मैं जॉब भी करती थी,
खुद का स्ट्रगल भी करती थी, तो इट वाज नॉट इजी। पूरे पूरे दिन खाना नहीं खाती थी, मम्मी फ़ोन करती थी खाना खाई गया खाना खाई गया। सो उस टाइम पे अभी भी मैं जब ये सब मोमेंट्स की बात करती हूँ मेरी आँखों में पानी आ जाता है। तो वो लेवल का जो स्ट्रगल होता है ना, अलग ही लेवल है वो। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी इंसान कर सकता है अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए। सो वो स्ट्रगल्स किया मैंने, तभी जाके मैं आज यहाँ पे हूँ। सो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो यूथ के लिए भी यही मैसेज है कि अगर आप सपने देखते हो तो उसको साकार करने की हिम्मत रखो। जैसे आपके अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो अभी रिसेंटली आने वाले कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जिन पर आप वर्क कर रहे हैं अभी? अभी रिसेंटली मैंने एक मलयालम फिल्म के लिए आइटम सॉन्ग किया है, फिल्म का नाम है नोबडी। तो उसमें मैंने एक आइटम सॉन्ग परफॉर्म किया है, फुल नोरा फतेही टाइप सॉन्ग, यू नो। तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको देख के। एंड उसके अलावा मैं यहाँ पे जो सॉन्ग करने आई हूँ वो सॉन्ग मैंने गौरव के साथ किया है। एंड इसके अलावा मैंने षणमुख प्रिया के साथ एक और म्यूज़िक एल्बम किया है जो इंडियन आइडल में टॉप 5 में थी। और इसके अलावा मैंने एक न्यू प्लेटफॉर्म के लिए वेब सीरीज़ की है, जो प्लेटफॉर्म अभी रिलीज़ होने वाली है, नमस्ते फ्लिक्स करके। उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर किया है, एक अंधी लड़की का, जो बहुत अच्छी स्टोरी है एंड फुल्ली बेस्ड ऑन मी। आपको बहुत मज़ा आने वाला है, सो वेट फॉर दैट। जैसे आप सिंगिंग करते हैं, कोई दर्शकों के लिए अपना मन का जो पसंद गाना हो कुछ गा के सुनाना चाहेंगे आप? जी डेफिनेटली। सीने में जब जब सांसें भरती हो, तेरे दिल के गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। ये थी हमारे साथ अमिका सेल जी। न्यूज़ 9 भारत से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू अमित। अपने सहयोगी के साथ न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित।